से दिखे, मुझे पैसों से क्या लगा है। ये किस तरह की स्केचिंग सोच रही है? वो शायद वो साइज मेजर कर रहा है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हे, उसने काम किया, थोड़ी शेडिंग और कुछ लाइंस बना। ढक दिया, पोटी निकल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बकचोदी। आई होप सब सही होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1, 2, 3 को के फालतू एक्स के बारे में, जिनको देख के दिमाग यही कहता है ये तो टट्टी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की बकचोद यूनिट। ये फिर नहीं बहनचोद, मुझे एक बात बताओ साला, इनके घर में नंबर देखने का रिवाज है नहीं है? नंबर बदले जा रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, मेन बकचोदी तो आगे है। देखो क्लास मुश्किल हो सकती है और कभी-कभी आंसर्स ऑब्वियस नहीं होते। इस भोसड़ी वाले को 123×0 का मल्टीप्लाई नहीं पता, साला कतई चूतिया है ये। मेरे पास कितने दोस्त हैं मुझे पता है, ये जीरो है। ओह हां, बहुत महान काम कर दिया महाराजा ने। हट भोसड़ी के बाप। बच्चों आज टेस्ट डे है, तुम्हारे पास इसके लिए 20 मिनट है। सर अनाज जी, मुझे आंसर दे दोगे? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं, वो भी एक साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। हमारे में तो साला अलग अलग बैठाते हैं, ऐसा लगता है एक जापान में है और एक इंडिया में। यह भोसड़ी का इसको आंसर नहीं बता रहे, हमसे अगर कोई आंसर पूछ ले तो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं अपने फोन में देखती हूँ, कोई भी ध्यान नहीं देगा। अच्छा हाँ, ये क्या था? मैंने अच्छे से नहीं किया, बस सोच रही हूँ सर। ऐसे कौन सोचता है बे? और ये टीचर, इसको नोटिफिकेशन की आवाज समझ नहीं आई? बस कुछ बार और देखना है और काम हो जाएगा। नहीं। चलो ठीक है, बाकी बातें डालो गड्ढे में। मुझे बस एक बात बताओ, सारे जगत में ऐसा कौन सा स्कूल और कॉलेज है जो एग्जाम में मोबाइल ले जाने देता है, और ये साले लाके चीटिंग भी कर रहे हैं। वाह, सोचो कुछ भी। माफ करना, मैंने बस अपना पेन गिरा दिया था। हाँ ठीक है। बहुत बहुत। मुझे लगता है इस हैक्स के सारे टीचर अंधे हैं, क्योंकि लड़की सामने फोन निकाल के चीटिंग कर रही है, उसे पता भी नहीं लगा। चश्मा लगा के भी अंधा है भोसड़ी का। मेरा फोन पर मुझे ये चाहिए। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? क्या तुम अपने फोन में देख रही हो? तुम्हें पता है ये अलाउड नहीं है। कंफर्म हो गया बहनचोद, टीचर अंधा है। मुझे किसी का भी आंसर नहीं पता और किसी का नजर भी नहीं आ रहा, गेट पक्का पड़ कर आई है, ये तो बहुत बुरा है। क्या हम कैलकुलेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? शुक्रिया, मैं याद से अपना लेकर आया हूँ। मेरा टीवी रिमोट यहाँ तक रहा है, मुझे याद है मैं फोन पर बात कर रहा था। हो, और मैंने गलती से रिमोट उठा लिया। नजर आएगा भी कैसे, कैसे आएगा? झट बाय झट की तो क्लास है। और ये बताओ, अगर इसे कुछ आता नहीं है तो कैलकुलेटर का क्या करेगा? पियानो बजाएगा? क्या तुम्हें स्पेशल स्टेप पता है? 144 का स्क्वायर रूट चाहिए। पहले आगे के 2 नंबर लें और उन्हें 2 में ऐड करें तो आपको मिला 16। आखिरी डिजिट ना भूलें, इसे 16 में से सब्ट्रैक्ट करें और बूम, कैलकुलेटर किसे चाहिए, है ना? तो चलो ट्राई करते हैं इस स्क्वायर रूट वाले हैक को। हम निकालने वाले हैं 169 का स्क्वायर रूट। तो चलो ट्राई करते हैं। तो देखो यार, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। तो जैसे चूतिया हैक में बताया था, 16 को प्लस कर लेते हैं 2 से तो आएगा 18। 18 को माइनस करते हैं 9 से तो आएगा 9। इसमें 13 कहाँ है? कहाँ है 13? हमारा और तुम्हारा दोनों का चूतिया कट चुका है बहुत ही आराम से। अगर तुम इस हैक के भरोसे एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा मैथ्स टीचर भी बोलेगा भाग भोसड़ी के। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। 1, 2, 3 को के हैक्स इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, कृपया ट्राई करने की कोशिश ना करें, जनहित में जारी। तो हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।